गरीब और जरूरतमंद लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह सके, इस हेतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर उज्जैन संभाग में इस योजना में उन लोगों को लाभ मिल पा रहा है जिनके पास रजिस्ट्री है और प्रधानमंत्री आवास बनवा पा रहे हैं, और उन गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है जिनके पास नोटरी है या फिर पट्टा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ना तो लाभ मिल पा रहे हैं और ना प्रधानमंत्री आवास बनवा पा रहे हैं। गरीब परिवार के लोग शासकीय ऑफिस जा रहे हैं और लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास को लेकर तो हमारी कोशिश है और मैं मध्य प्रदेश शासन से भी मांग करता हूँ कि सभी, मैं अपनी पंचायत का नहीं बोल रहा हूँ, सभी ग्राम पंचायत में आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं आए। हम करीबन 2 साल से हमें बोल रहे हैं कि आपके यहाँ इतने स्वीकृत है, आपके यहाँ हर पंचायत में, मैं अपनी पंचायत से नहीं, मैं सरपंच हम संभागीय अध्यक्ष हूँ, मैं उस नाते पूरे उज्जैन जिले से और पूरे संभाग से, मतलब जो जितनी भी पंचायत है वहाँ यही दिक्कत है कि सभी जगह प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है पर 2 साल से टाल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हाँ अब आ रहे हैं, 2 साल से कोरोना आ गया, हम समझते हैं हमारा देश बड़ी विपदा में था पर अब हम विपदा से बाहर आ गए हैं, तो अब लोगों को आशा है कि प्रधानमंत्री आवास मिले, सबके जो कच्चे मकान हैं वो पक्के बने, मैं सरकार से यही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।